तो अभी अंदर आती मैंने ज़ारा से शॉपिंग किया एक ब्लैक कलर का, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा ब्लैक कलर बहुत फैब है, तो इस वजह से मैंने ले लिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या लिया है, और भी मैंने, और हाँ ये मेरे को करण भाई ने गिफ्ट किया। इसमें क्या गिफ्ट, बस ले लिया खाने के लिए, गिफ्ट थोड़ी है। और ये मैंने लिया, कैसा है? बहुत सेक्सी। कैसा है ये? लूज पैटर्न में लिया थोड़ा सा, बड़े पहन रहा तो छोटे तो लेगा ही लेगा। और गाइस है नहीं, और मैंने लिया है सरप्राइज करण भाई के लिए, तो देखते हैं। और पृथ्वी ने भी बहुत दो जींस लिया है, बैगी फिट जींस। दिखाना ओ भाई। और ये हमारे तरफ से पागलेगा गिफ्ट। नहीं भाई, अब इसको क्या करेंगे, छोटा सा गिफ्ट, मैंने आज तक कुछ नहीं दिया था इसको। हाँ। तो ये हो ही नहीं सकता भाई, ये रियल है। कैसा लगा आपको हमारा ये? दिमाग मत खराब करो, समझ लो। Not happening man, sorry, I'm not impressed at all with this। तुमको इम्प्रेस होने के लिए बोला कौन तुमको? गिफ्ट है। मैं इम्प्रेशन के लिए दिया मैंने। मैं गिफ्ट पसंद ही नहीं, पहली बार मैं लेता ही नहीं, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। ऐसा नहीं चलता। कोई बात नहीं। तो मेरा पाँव भी इतना बड़ा नहीं है। मेरा भी नहीं, जो मेरा हो जाएगा। अब नहीं हो पाएगा, मेरे को करना ही नहीं एक्सचेंज। मैं सच में नहीं एक्सचेंज ना कुछ करने वाला हूँ, सच में नहीं पसंद। हाँ तो नहीं पसंद है तो ठीक है, मत करो, झगड़ा हो जाएगा। तो झगड़ा होगा। राहुल ने क्यों करण को कूट, सॉरी करण ने क्यों राहुल को कूट दिया? मैं रेफरी बन जाऊंगा। मैं सच में नहीं लेने वाला भाई, सॉरी। जो भी तुम्हारा चुतियापा किया है तुमने, किसी को गिफ्ट देना चुतियापा होता है। बताओ, इसको गिफ्ट पसंद नहीं है बट मुझे देना पसंद है ना। और मैंने इसका एक जूता भी खराब किया था। I am not impressed at all with this. ये this is not like and impression and all this. ये बहुत बीप लड़का है, आप बीप में कुछ भी डाल सकते हो। And this is not acceptable at all and I'm not going to accept this. So thank you so much for the sweet gesture but fuck you. sorry, bye bye. राहुल और करण के साथ कैमरामैन लेंडा आज तक। नहीं ब्रो, बट क्या, थैंक यू सो मच बट क्या, एक्सेप्टेड ब्रो, आई एम रियली सॉरी। सुनो, आपको पता है वैदू जी ने जब एक बात बोला था कि जो मैंने सुनो ना, तो मैंने उनको टोका था कि ये चीज उनको बाद में समझ आएगी उसका देवर कैसा, तो इसीलिए वो तुम दोनों के बीच में रखो, मेरे पास कुछ नहीं आने। नहीं, मैंने उनसे कन्वर्सेशन किया ही नहीं कुछ, आप फोन करके पूछ लो उनसे। ये मेरे को पहले से फ्रॉम स्टार्टिंग था कि नहीं भाई, एक लेके देना था। Not impressed bro, I'm sorry. तुम इंप्रेस हो नहीं हो मेरे को क्या? हाँ I hate you for this. ठीक है करो, मेरे को कोई घंटा रखनी पड़ेगा, तुम नफरत करो, आओगे तुम मेरे पास ही। अच्छा इसको गिफ्ट पसंद नहीं है, वैसे पसंद है एक्चुअली बट वो इमोशनल हो जाता है। मेरे को लेके जाएगा, वो लेके जाएगा। अरे मेरे को पता है, पहन के जाएगा, पहन के नहीं जाएगा। सुनो ना, ये चलता है स्टार्ट है। तुमको भी कोल्ड कॉफी पसंद है क्या?
कोल्ड कॉफी बेस्ट है, हॉट कॉफी कभी कभी पसंद है, डिपेंड्स ऑन द मूड। अगर बहुत ठंडी है बाहर तो हॉट कॉफी पी के अच्छा लगता है, मैं तो हमेशा हॉट कॉफी पीती है। और मैं तो पीता नहीं हूँ जनरली, बट मैं जब पीता हूँ तो कोल्ड कॉफी पीता हूँ। तो हम लोग आइसक्रीम खाने वाले थे, बट आवर प्लान हैज चेंज्ड और मैं सोचा कि कॉफ़ी पीने आ जाए। तो हियर वी आर हैविंग आवर कॉफ़ी राइट नाउ पार्क स्ट्रीट पे ही, इनका दुकान सामने ही है बट नहीं गए वहाँ पर। कॉफ़ी पी लेते हैं, टेस्ट करो ये वाला और बताओ कैसा था। तुमने ये पिया था इसके पहले? ये पिया था? देन फाइन, गरम सही पकड़े। टाइम देखो पता नहीं क्या दिक्कत है, लॉक है। अच्छा चालू है, आई एम सॉरी। ऑलराइट, ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर व्लॉग। आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा। वी विल कम अप विद सम अदर थिंग टुमारो, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं कोलकाता का कोई लोकेशन कवर करूँ, सो जस्ट लेट मी नो एंड आई विल गो देयर। सी यू गाइस। तो गाइस, नेक्स्ट डे मैं ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, तो बस आपने आगे का ब्लॉग देखा ही होगा कि भैया के लिए मैंने एक गिफ्ट दिया एंड वो कितना खड़ूस है यार, वो इतना प्यार से गिफ्ट लाया एंड वो बोलता है नहीं लेंगे, फिर हाथ भी दर्द कर गया यार। अभी जस्ट मैं सुबह से पार्क स्ट्रीट एंड कालीघाट घूम के आया एंड बहुत थक गया वो भी। और आज करण भाई का लास्ट डे है कोलकाता में, तो उन्हें एयरपोर्ट भी छोड़ने जाना है। एंड मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसको बाय बोलूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से आके नहीं मिला पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने लाइफ में अगर किसी को मानता हूँ, मतलब एज अ फ्रेंड, तो सबसे बड़े हमारे करण भाई ही है, जो उसको दिल से मानता हूँ। एंड जब भी वो जाता है तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है, मैं सैड हो जाता हूँ, जो भी है। तो ये भाई भाई की बात है एंड बहुत जल्द मिलने वाले भी हैं मुंबई में। मैं 2-3 महीने बाद मुंबई भी जा रहा हूँ मिलने के लिए, और किस वजह से जा रहा हूँ वो आपको बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी कोलकाता में भी मेरा आज लास्ट है, क्योंकि मुझे आज दीघा जाना पड़ेगा मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी वहाँ पे अकेली है, मायरा अकेली है वहाँ पे, और अकेले वो वीडियोस बना रही है, सो जाके मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो बाकी का व्लॉग मैं आपको कल बताऊँगा। एंड जो लोग न्यू हमारे चैनल पर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू सो मच, आप हमें इतना प्यार करते हो और दिल से, और उस चीज़ों को इग्नोर करना क्योंकि ये बैचलर का रूम है, सो कुछ कुछ चीज़ें दिख जाती है, तो सारी चीज़ों को इग्नोर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, एंड लाइक कमेंट शेयर कर देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एंड धन्यवाद, आप मुझे इतना प्यार देते हो। बाय।